जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस की परेड और दिल्ली और एनसीआर में किसान आंदोलन का ट्रैक्टर मार्च, दोनों पर सबकी नजरें टिकी हैं। क्या कुछ रहने वाला है किसान आंदोलन के ट्रैक्टर मार्च में और किस तरह की तैयारी सरकार ने भी की हुई है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है क्या कुछ आंदोलन के बीच में चल रहा है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी ग्रुप के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी हैं। सर नमस्कार। सर सर क्या लगता है, क्योंकि बातचीत कई दौर की लगातार होती रही और खुद कृषि मंत्री ने कहा कि हर संभव प्रयास किए गए किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर दिखी, आखिर में वो हल नहीं निकल पाया जो किसान चाहते थे और बात ट्रैक्टर मार्च तक आई। इस पर भी कई उतार चढ़ाव आए, पुलिस ने बातचीत की, एक रास्ता भी दिया है। आपको क्या लगता है, कल वाकई जो ट्रैक्टर मार्च है उस रास्ते पर चलेगा? क्या कुछ हो सकता है अगले 24 घंटे में? देखिए, ये पहली बार मुझे लग रहा है कि देश के गणतंत्रीय इतिहास में होने जा रहा है कि गणतंत्र दिवस पे एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, और उस रैली का आयोजन निश्चित रूप से किसी खुशी में नहीं किया जा रहा, बल्कि क्षोभ में किया जा रहा है। और ये क्षोभ है कि साहब उनकी समस्याएं नहीं सुलझाई जा रही हैं, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, और वो जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। अब सवाल यह है कि जो चाह रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा है, ये एक लंबा विषय है जिस पे हम लोग पिछले कई बार से चर्चा करते रहे हैं। किसान सीधे सीधे इस बात पर ही मनवाना चाहते हैं कि जितने भी कृषि कानून 3 बनाए गए हैं उनको आप हर हालत में हल कीजिए, उनको वापस लीजिए, और उसके बिना वो मानने को राजी नहीं है। सरकार इस हद तक आ गई कि साहब 1.5 साल और अधिकतम मेरे ख्याल से 2 साल तक वो जा सकती थी कि कानून बिल्कुल होल्ड पे रख लिए जाए, लेकिन अब वो उसपे भी नहीं राजी। उनकी समस्या क्या है, उस समस्या को समझना चाहिए कि जब 2 महीने के आंदोलन के बाद भी उन्हें ये लग रहा है कि हमारी वापसी होगी तो फिर कैसे होगी, हम उनको जवाब कैसे देंगे जिनके बल पे आंदोलन चल रहा है, जो हमारे साथ लोग खड़े हुए हैं, जो हमारे साथ आंदोलन में हैं, उनको क्या जवाब दिया जाएगा। तो उनको जवाब देने का डर जो है वो आदमी से कई और रास्ते निकलवाता है। तो वो जो साइकोलॉजी की भाषा में, या साइकोलॉजी नहीं, सोशियोलॉजी की भाषा में, ये डाइवर्जन की कोशिश होती है चीजों को लेकर के, कि ये नहीं हुआ तो चलो हम ये कर लेते हैं, और ये करने के लिए ट्रैक्टर मार्च जो है उसी की एक परिणति है। आप ट्रैक्टर मार्च को जस्टिफाई कैसे करेंगे कि साहब गणतंत्र दिवस पे है, गणतंत्र हम अपना गणतंत्र बनाना, मतलब अपने तरीके से देश को दिखाना चाहते हैं कि क्या गणतंत्र है। तो ये एक अजीबोगरीब तर्क हैं जो जल्दी से जल्दी आपको समझ में नहीं आ सकते, लेकिन आपके तर्क हैं तो आप उसको, संयुक्त किसान मोर्चा का तर्क है, कहता है कि हम अपने दर्द को देश को दिखाना चाहते हैं, हम विशेष झांकियां लगाएंगे उसमें, हम तिरंगे के साथ लड़ाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे, तिरंगे के साथ रह के करेंगे, रूट हमारा फिक्स है। लेकिन इस रूट फिक्स है, पुलिस के साथ भी है, लेकिन वो तो जो चाहते थे कि नहीं, हम पहले तो दिल्ली में आना चाहते थे, दिल्ली के बीच में आना चाहते थे, फिर किनारे की बात हुई, फिर किनारे में भी और अंदर आना चाहते हैं। इतनी मुश्किल पुलिस को शायद किसी गणतंत्र दिवस पर, एक वो गणतंत्र दिवस मैनेज करना पहले वो बड़ा काम है, वो जो मेन हमारा गणतंत्र रैली है उसको काम था, उसको अब सेकेंडरी हो गया। अब दूसरा ये हो गया कि साहब आप इसको देखिए मोर्चे को कि कैसे हम करें, यूपी की बड़ी पुलिस यहाँ बुला ली गई, हरियाणा की बड़ी पुलिस यहाँ लगाई गई, दिल्ली पुलिस के 80,000 जवान प्लस सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, न जाने आर्मी, और न जाने कहाँ कहाँ, आर्मी का नाम उस तरह से नहीं है लेकिन आर्मी जितनी पहले लगती थी वो अब अंदर के रूट पर, खासतौर से जो लुटियंस जोन वाला और बाकी जहां पर हमारी रैली होनी है, देश की रैली होनी है, वहां लगा दी गई है। तो अब बहुत सारे के बीच में, ऐसे में, और तब वो भी तब जब ये बहुत साफ हो देश के सामने कि पाकिस्तान और अड़ोस पड़ोस के कुछ राज्य जो हम लोगों को फल फूलवित नहीं देखना चाहते वो भी ये काम में लगे हैं, विदेश के और लोग भी, और विदेश विदेशी तथाकथित मित्र लगे हैं, तो ऐसे में आप कुछ भी कहिए, शंकाएं बहुत सारी होंगी। और खास तौर से जब वो शंकाएं, क्योंकि अब जब आप ट्रैक्टर लेकर आएंगे, डीजल भरा होगा और उसमें एक जवानी का उत्साह होगा, तो जितने नेता हैं अगर एक आदमी ने भी गड़बड़ कर दी, एक आदमी भी बिल्कुल उसमें
आतंकी ढंग का हुआ और उसने एक ऐसे ही कॉल दे दी, तो ट्रैक्टर को आगे और पीछे करने में बहुत समय नहीं लगता है, अफरा तफरी फैलने में बहुत समय नहीं लगेगा। आप कितना ही लोग नेता कह लें कि रूट तय है, 5 लोग ही रहेंगे, 8 लोग ही रहेंगे, लेकिन अगर किसी ने भी जरा सा भी कोई एक कुछ भी कर दिया तो ये कलंक दिल्ली पुलिस पे तो लगेगा ही लगेगा, किसानों पर भी लगेगा कि ये कैसे हुआ है। आप कहते रहे कि गारंटी होगी, कोशिश होगी कि वो, लेकिन जब आप आदमी, हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस देश का इतिहास रहा है, जब मर्जीवड़े आ जाते हैं, जब आतंकी आ जाएं, जब ये सोच ले कि सुसाइड बॉम्बर अपना काम करना चाहें, तो कुछ भी हो सकता है और उस कुछ भी में कुछ भी अफरा तफरी फैल सकती। इसलिए इस पूरी रैली को लेकर आशंकाएं बहुत सारी है। पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च कल का निकलवाना, क्योंकि जैसा आपने कहा युवा भी होंगे, जोश भी होगा। लगता है कि पुलिस के लिए चैलेंज है शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च का आयोजन करवा पाना, चुनौतियां पुलिस के सामने भी है। बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए और पुलिस को इसको कर पाना कोई आसान काम नहीं होगा। पुलिस अपने खास तौर से, पुलिस से ज्यादा जो इंटेलिजेंस है वो कितना इसको निभा पाती है, कैसे करेगी। इंटेलिजेंस तमाम तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर रही है, वहां ड्रोन का इस्तेमाल करेगी, उसमें अपने बीच में अपने कुछ लोगों को भेजा होगा जो पूरी गुप्तचरी करें। और मैं उस 20,000 मान लो मिनिमम भी अगर मान रहे थे तो 5,000 एक रूट पे परमिट दिए गए एक ट्रैक्टर को, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 मान लो तो 25,000 हो गए। तो 25,000 अगर एक रूट पे होंगे तो उसमें अगर 0.001% भी लोग बर्बादी करने की सोच ले, 25,000 में 250 लोग भी आ जाए 0.1% भी, तो वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो कहीं पर भी हमारे सामने ऐसी स्थितियां नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दिल्ली पुलिस ने शायद इतना बड़ा चैलेंज कभी नहीं लिया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब पूरे विश्व की निगाहें हमारे गणतंत्र दिवस पे होंगी, खुदा ना खास्ता, मुझे उम्मीद है सब कुछ बहुत ठीक होगा, हो जाएगा, ठीक है, मैं उम्मीद ही कर रहा हूँ और उम्मीद मन से कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे पास आंकड़े हैं कि उस उम्मीद के लिए कुछ आंकड़े क्या होंगे। गृह मंत्री के घर पे बैठक हो रही है, दोनों राज्य गृह मंत्री हैं, दिल्ली कमिश्नर हैं, बाकी और लोग हैं, सब लोग उसको अपने अपने तरीके से सुझाव और उसको लेकर के कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भी इंतजाम लग रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों से लड़ने के लिए इतने सारे इंतजाम करने पड़े, ये बहुत दुखद है। और हम तो ये हाँ जी, क्या ट्रैक्टर मार्च किसानों का जो कहना है कि हम अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं, हमारी जो मांगे थी वो पूरी नहीं की गई, हम जो काम करते हैं हम उसको दर्शाना चाहते हैं, ये माना जाए ट्रैक्टर मार्च एक शक्ति प्रदर्शन है, सरकार को दिखाना चाहते हैं किसान हम में कितना दम है, कल एक प्लेटफॉर्म तैयार होगा, इसके लिए आगे की रणनीति भी कली तय हो जाएगी। बिल्कुल सही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रैक्टर मार्च एक दबाव की रणनीति है। इस देश में किसको नहीं पता है कि किसानों को कितनी चीजें आती हैं या पता है, या किसानों की तकलीफ के बारे में तो हमारे गणतंत्र दिवस पे खुद जब टेबलो बनते हैं तो उसके उसमें किसानों का वो दुख दर्द या किसानों की चीजें होती हैं, दुख दर्द भला भी ना पता हो, लेकिन ऐसा तो है नहीं। ट्रैक्टर में ट्रॉली में कोई बहुत बड़े टेबलो बनेंगे कि या कोई बहुत बड़ी आंकड़ेबाजी दिखाने की कोशिश होगी कि किसान को इतना पैसा मिलता है, तो वो तकलीफ की जहां बात करेंगे तो उसमें तकलीफ में जिन चीजों का उल्लेख होगा, तकलीफ तो आड़ती देता है, तकलीफ कौन देता है, सरकार भी देगी, लेकिन उस सब में चीजों में अगर और मगर होते, हर सवाल के जवाब, हर सवाल के पीछे एक सवाल होता है और उस सवाल में के जवाब के पीछे एक और सवाल होता है, तो वो सवाल जवाब में लोग तो समझेंगे ना कि जो आम आदमी है उसको क्या बताना चाह रहे हैं आप। तो वो तो वैसे भी सोशल मीडिया के दौर में आप ये नहीं कह सकते कि हम बताना चाह रहे हैं, बता रहे हैं, पता है सबको, लेकिन हाँ ये साफ कहिए कि दबाव है तो दबाव है और दबाव की रणनीति है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा आगे पीछे कुछ सोचना है, दबाव की ही रणनीति है और दबाव में ही काम किया जा रहा है। सरकार भी इस समय दबाव में है, ये वो सरकार कतई नहीं चाहती कि किसानों के साथ कोई भी
अनहोनी हो जरा थी और उसके माथे पे कलंक लगे, ये कलंक ना लगने पाए ये उन पर भी जिम्मेदारी है जो भारतीय किसान यूनियन या संयुक्त मोर्चा के लोग हैं उन पर भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होगी। एक आखिरी सवाल सर, डेडलॉक है किसान और सरकार के बीच, क्यों बातचीत के लिए कोई नई तारीख तय नहीं हुई है? कल किसानों का ट्रैक्टर मार्च है, हालांकि सरकार कह रही है किसानों के साथ है, क्या अगर ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण तरीके से सफल होता है तो क्या वापस किसान अपनी उसी आंदोलन वाली जगह पर जाकर बैठेंगे या किसान कहीं बीच रास्ते में रुक जाएंगे? अगर वापस बैठ भी गए तो अगली बातचीत कैसे शुरू होगी सरकार के और किसानों के बीच में? ये अगर मगर में ही रहेगा जी, होना यही चाहिए कि प्रदर्शन के बाद में सब वो अपने अपनी जगह पे चले जाए और हो जाए, लेकिन अगर बैठ गए तो क्या कर लेंगे आप बताइए? अगर मान लीजिए आप 33 किलोमीटर का या 40 किलोमीटर के तीन मार्च हैं, इसमें ये किसी उग्रवादी लोगों ने तय कर लिया या लड़कों ने कुछ तय कर लिया है जो किसान के रूप में है कि हम यही बैठ जा रहे हैं, तो क्या होगा? तो वही बैठ जाएंगे वो। आप लाठी चार्ज हो नहीं सकता, आप पानी फेंक नहीं सकते, आप आगे कुछ ज्यादा से ज्यादा यही कि जाने नहीं देंगे आगे। उसके लिए तब तक आप पूरी तैयारी करके रखे होंगे, एक बॉर्डर बैरिकेड, दूसरा बैरिकेड, तीसरा बैरिकेड, ट्रक, मट्टी, ये सब होगा, लेकिन ये सब उतना आसान नहीं होगा। एक विश्वास का कलंक तो हो ही पर लग ही जाएगा अगर ऐसा हो जाता है, अविश्वास का कलंक हो जाएगा, लेकिन इन सब के बावजूद ये तो सब अगर मगर है, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो। मैं मान रहा हूं, भगवान से मनाता हूं, सद्बुद्धि दे सबको कि ऐसा कुछ भी ना हो, और सरकार को भी मतलब सरकार के सामने बहुत सारे रास्ते हैं नहीं, वो करे तो क्या करे। अब किसानों को उसमें एक लिमिट के बाद में ये मानना होगा कि हाँ हमें ये मिल सकता है, इसके बाद अगली लड़ाई बाद में होती रहेगी। इसके बाद क्या, अगर मान लीजिए वापस देने की बात कर लेते हैं नियम कानून को, तो उसके बाद क्या स्थितियां होंगी, सरकार कैसे कैसे निपटेगी, ये एक अलग सवाल है। रास्ता इस समय फिर मुझे लगता है एक सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है कोई, जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा रास्ता दिया है, और अच्छा ये होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पर दोनों पक्ष चले, सरकार और किसान, और ताकि एक नियम कानून बना रहे देश में, भरोसा कानून पर बना रहे, और कानून पे भरोसे के लिए ये जरूरी है कि विश्वास ना टूटे। ये विश्वास ना तोड़ने की जिम्मेदारी किसानों पर भी है और पुलिस पर ये होगी कि पूरी सक्रियता, कल पुलिस का पसीना कितना बहेगा ये हम आप नहीं समझ सकते हैं, इतना आसानी से हम लोग जहां कमरों में बैठे हुए हैं एसी कमरों में वो नहीं समझ पाएंगे। पुलिस को बहुत जूझना पड़ेगा, करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और हम फिर वही ईश्वर से मनाते हैं कि वाहेगुरु से मनाते हैं कि सब कुछ अच्छे से रहे, शांतिपूर्ण रहे। ठीक है, एक बार अपना आप शो ऑफ और कर लीजिए, लेकिन रास्ता और किसी भी चीज का रास्ता वो बातचीत से ही निकलेगा, और ये दोनों पक्षों को समझना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने बताया पुलिस के सामने कई चैलेंजेस है और इसके बीच एक जो विश्वास की दीवार है वो कायम रहे, अगले कुछ घंटों में किस तरह के उतार चढ़ाव आएंगे उस पर भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन नजरें अब कल की ट्रैक्टर परेड पर टिकी है, देखना यही होगा कि क्या कुछ होता है कल की इस ट्रैक्टर परेड में। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू।